पांचवी अनुसूची और पेशा कानून के उल्लंघन को लेकर गुड़वाना गणतंत्र पार्टी ने किया कलेक्ट्रेट का घेराव। कांकेर जिला मुख्यालय में गुड़वाना गणतंत्र पार्टी के द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सभा रैली व कांकेर कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया। गुड़वाना गणतंत्र पार्टी का आरोप है कि चूंकि बस्तर जैसे क्षेत्र में पांचवी अनुसूची लागू है और पेशा कानून का प्रारूप भी तैयार है, पर इन कानूनों का क्षेत्र में पालन नहीं हो रहा। आदिवासी बस्तर के प्रकृति पूजक है और उनका निरंतर सिर्फ शोषण ही हो रहा है। राज्य सरकार पांचवी अनुसूची के नियम और पेशा कानून को इस क्षेत्र में लागू करने में विफल हो रही है और आदिवासियों का शोषण लगातार जारी है। लगातार आदिवासी क्षेत्रों में सिर्फ कारपोरेट लोगों को सरकार सह दे रही है, जो सिर्फ हमारी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ कर सिर्फ अपनी जेब भर रहे, जिसका गुणवाना गणतंत्र पार्टी विरोध करती है। अगर आने वाले समय में सरकार और प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देती तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो कि 22 तारीख से बस्तर संभाग के तमाम जिलों से होते हुए जहां पर पेशा का ड्राफ्टिंग किया गया था, सम्मानीय डॉक्टर बीडी शर्मा साहब उसके ड्राफ्टिंग किए हुए और कानून का रूप दिए थे पेशा कानून का, उस स्थल का नाम है ब्रह्मपाल। ये है आपके जिला बस्तर ब्लॉक कोकापाल ग्राम ब्रह्मपाल, उस जगह पर जहां पर एक गुड़ी के रूप में शिलालेख किया गया है, उस गुड़ी में गुड़ाना गठन पार्टी विगत कई सालों से जाकर वहां के सम्मेलन में पेशा कानून दिवस सम्मेलन में सम्मिलित होकर आज यहां स्थगन था कांकेर जिला में 25 तारीख को, और स्थगन के साथ साथ जो आवेदन जन समस्या को लेकर जो आवेदन जिला प्रशासन को दिया गया था, आज दिनांक तक महीने हो गए, दो महीने हो गए, उस पर किसी प्रकार कोई संज्ञान नहीं हो रहा है। उसके लिए गुड़वाना गणतंत्र पार्टी कलेक्टर घेराव का कार्यक्रम का स्वरूप दिया था, कार्यक्रम को स्थगन के साथ साथ कलेक्टर घेराव का स्वरूप था। साथ ही जो अभी फिफ्थ शेड्यूल का जिस प्रकार से जिला प्रशासन और जिला पंचायत के माध्यम से या कहें सरकार के माध्यम से पांचवी अनुसूची का और पेशा कानून का घोर उल्लंघन करते हुए जो शांत माहौल में रहने वाले ऐसे लोगों के जगह से मिट्टी जो राम और पदगमन के नाम से मिट्टी ले जाने का जो कार्य कर रहा था, उसमें हमारे समाज के सियानों के द्वारा या कहें समाज के नेतृत्वकर्ताओं के द्वारा बातचीत करने के लिए जिला प्रशासन के सामने या कहें कलेक्टर साहब के सामने जब डेलीगेशन के लिए टीम गई थी तो उनके साथ बातचीत में जो अवरोध हुआ, गति अवरोध, सड़क जाम हो गई थी, उसके चलते जो FIR हुआ था, इवन मेरा नाम भी उसमें है, उसके विरोध में, क्योंकि मैं गुड़वाना गणतंत्र पार्टी का राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष युवा मोर्चा इंडिया का सदस्य हूँ, साथ में जिला पंचायत सदस्य हूँ, इसके आक्रोश में गुड़वाना गणतंत्र पार्टी कलेक्टर घेराव का भी के लिए आह्वान किया था। सबसे पहले एक चीज देखा गया कि प्रशासन आपका ज्ञापन नहीं लिया, सड़क में आना पड़ा। निश्चित ही चूंकि यह सेंसिटिव मामला है तो माटी सत्याग्रह के माध्यम से और FIR हुआ है, उसके लिए बहुत पहले यानी 4-5 दिन पहले ही ज्ञापन के माध्यम से जिला प्रशासन का अवगत कराया गया था कि 25 तारीख को कलेक्टर घेराव है, जिसमें सेंसिटिव मामला है, उस मामले के लिए सम्मानी कोई भी ऐसे डेलीगेशन या ज्ञापन के लिए आए जो चाहे SDM हो चाहे कलेक्टर से संबंधित विभागीय कलेक्टर साहब हो, कोई इसके लिए नहीं आने की वजह से नाराज कार्यकर्ताओं ने रोड की ओर रोड बाधा करने के लिए अवरोध करने के लिए घर आ गए थे, और अभी प्रशासन के द्वारा ससम्मान SDM मैडम के द्वारा ज्ञापन लिया गया और रोड खाली कर दिया गया। गुड़वाना गणतंत्र पार्टी के द्वारा 6 बिंदु के संबंध में अपनी मांगे रखी गई है और इनका ज्ञापन जो है विधिवत महामहिम राज्यपाल महोदय की ओर निर्देशित किया गया। मैडम सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर पूरे जो 10 घंटे से खड़ी है, प्रशासन नहीं आया है, इसलिए उग्र गर्मी सड़क में आना पड़ा, क्या करें, क्या वजह है? ऐसी स्थिति नहीं है, प्रशासन जो है सुबह से यहाँ से लगी हुई है और स्थिति की आप बात करें ऐसी कोई स्थिति नहीं है। मैम आंदोलनकारियों का जो आए है ज्ञापन है, प्रशासन का नुमाइंदा पहली बार अपन पढ़ते देखे, क्या नई परंपरा है? इसमें इनका केवल यही था कि जो ज्ञापन का में जो विषय वस्तु लिखी हुई है उस विषय वस्तु को केवल बोलने के लिए कहा गया है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं।